मार्केट में आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, इंफोसिस, विप्रो, कोलगेट, इनले मल्टी बैगर रिटर्न, मल्टी बैगर, बट किसके पास है? शायद पुराने निवेशकों में से 1% लोग भी आज तक वो कैरी नहीं कर रहे हैं। पेपर्स में कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है कि विप्रो ने इतना बोनस दिया, इतना डिविडेंड दिया, अगर आपके पास 10,000 रुपये आपने लगाए होते शायद 10 करोड़ बने होते, 20 करोड़ बने होते, कुछ भी। स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है मोटिवेट करने के लिए, पर क्या आप विप्रो जैसे स्टॉक को 20 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? मैं आपको आज कहता हूँ कि सपोज कीजिए ITC ले लीजिए, अगले 50 साल में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो क्या आप अगले 50 साल तक होल्ड कर सकते हैं, अगले 20 साल तक होल्ड कर सकते हैं? आज आप ट्रेडर्स हैं, कोई भी निवेशक नहीं है। निवेशक की कैटेगरी बड़ी अलग है, बहुत डिफरेंट है, वो हर डिप पे चीज़ों को बाय करते हैं, उनको लगता है कि अगर बिजनेस अच्छी प्राइस पे मिल रहा है करेक्शंस में क्रैशेस में दे विल बाय दैट मोर, उनके पास कैपिटल होती है, वो रिस्क एपेटाइट होता है, जज्बा होता है। आपके पास है क्या? आपके पास कैपिटल भी नहीं है, रिस्क रेशियो भी नहीं है, प्लान भी नहीं है, कैसे कामयाब होंगे? होप दैट हेल्प्स।